Hey, what is up guys, welcome back to my channel everyone, I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार आ चुके हैं फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस. एंड गाइज आज ना अपन लोग जो चैलेंज करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला चैलेंज होने वाला है. बिकॉज गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीप वर्सेस जो हमारा बाइक होता है, धूम 3 होता है, समझ रहे हो ना, वो वाला लेके हम लोग चैलेंज करने वाले हैं. सोचो जैसे कि मैं तुम लोगों को मतलब छोटे फॉर्मेट में तुम लोगों को समझा देता हूँ चैलेंज, मतलब ये चैलेंज असलियत में है क्या. सो देखो अगर मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल जीप मिल जाता है तो मैं जीप लेकर पूरा गेम प्ले खेलूंगा, और अगर मेरे को बाइक मिल जाता है तो बाइक लेकर मैं पूरे गेम प्ले को खेलूंगा. तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा चैलेंज है, बट ये जितना सिंपल सा आप लोगों को लग रहा है ये वो इतना सिंपल नहीं है गाइस, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को सब कुछ पता चलने वाला है कि ये जो चैलेंज है ये इस चैलेंज को मैंने बिगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बोला है, और बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज क्यों बोला है वो आप लोगों को आगे चल के देखने को मिल जाएगा. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना. अब देखो मेरे को यहाँ पर स्टार्टिंग में जीप मिल चुका था, इसका मतलब गाइस अब मुझे जीप लेकर ही पूरा मैच खेलना पड़ेगा. अब यार देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वाले पबजी मोबाइल लाइट में ना बाइक मिलना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बाइक ना अक्सर मिलता नहीं है. अब देखो यहाँ पर मेरे को ये वाला बॉट भाई साहब दिख गया था जिसको मैंने निपटा दिया बहुत ही प्यार से. अब इसको निपटाने के बाद गाइस मैं सीधा चला गया इधर को तरफ, और उधर को और भी बंदे थे, ठीक है. तो यहाँ पर देखो एक बंदा मेरे को दिख चुका था, तो चलो इसको निपटाते हैं. ये तो फिलहाल बॉट था, लेकिन गाइस बंदा अभी भी जिंदा था जो कि इस वाले घर के अंदर था. अब देखना इस वाले बंदे के साथ तो गलत सीन हो गया, तो इसको बहुत ही प्यार से निपटा दिया. इसको निपटाने के बाद मैं सीधा चला गया इधर की तरफ, और उधर की तरफ गाइस फायरिंग चल रहा था, तो मुझे पता चल गया कि भाई इधर की तरफ कोई ना कोई बंदा तो ज़रूर होगा. तो देखना सीधे मैं पहले तो इधर को भगाता हूँ गाड़ी, और तभी मेरे को ये वाला दिख गया, और तभी जैसे मैं इस वाले बंदे को निपटाने के बाद, मतलब बॉट था शायद, इस वाले बॉट को निपटाने के बाद जैसे मैं इधर को भागा तो यहाँ पर एक मिराडो लेकर एक बंदा भागा था जो कि इधर को जाके रुक गया. अब देखना अब देखो ये वाला बंदा भाई कैसे मरा पता ही नहीं चला मुझे, लेकिन गाइस मेरा किल किसी ने चुरा लिया, और तभी ये वाला बंदा दिख गया. अब देखना इसको निपटाते निपटाते मेरे साथ क्या ही सीन होता है. बेसिकली इसको निपटा देंगे, इसको निपटाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मतलब इजीली निपटा देंगे भाई, चुटकी मार के निपटा सकते हैं अपन, लेकिन गजब बेइज्जती है. सो भाई सब क्या कर सकते हैं, मेरे साथ तो गलत सीन होता ही रहता है और गजब बेइज्जती भाई होता रहता है, तो भैया कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते है ना. अब यार एक चीज़ बता दूं कि आज का ये गेम प्ले 2020 का लास्ट गेम प्ले होने वाला है, बिकॉज कल से 2021 आ जाएगा, और मैं आप लोगों को भाई पहले से ही बता देता हूँ कि भाई हैप्पी न्यू ईयर पहले से ही विश कर देता हूँ भाई, एडवांस में ले लो यार, सब कुछ एडवांस में लेना चाहिए है ना. तो भाई हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को. एंड भाई देख सकते हो भाई अगर आप लोगों को मेरा जो वॉइस है, मतलब गला का जो आवाज़ है वो आप लोगों को अगर हिमेश रेशमिया का जैसा लग रहा है तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज़ यार मेरा नाक ना कतई बैठ चुका है, बिकॉज मेरे को जुकाम हुआ है और तगड़ा वाला जुकाम हुआ है. लेकिन गाइस मैंने आप लोगों से वादा किया है कि रोज़ एक ना एक वीडियो तो ज़रूर आएगा, तो इसीलिए भाई वीडियो बना रहा हूँ. ओके, और भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो भाई बनता है, तो कर देना लाइक. ओके, और एक चीज़ गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करो यार, मतलब हाँ मुझे पता है इस वाले 2020 के अंदर 4 लाख सब्सक्राइबर नहीं होगा, बट गाइस जनवरी जो आने वाला है उसमें गाइस हम लोगों को 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है जनवरी के महीने में. ओके, तो भाई कुछ भी करके हम लोगों को जनवरी के महीने में 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हो. और गाइस सर एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आप लोगों को, पहले तो इस वाले बॉट भाई सब को निपटाया, तभी यहाँ पर कुछ बंदे थे, तो चलो इनको भी पहले निपटाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ.
सो गाइस देयर, अगर अभी मतलब अगर आपके पास भी कुछ अमेजिंग सा चैलेंजेस है ना, तो भाई नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है? क्योंकि भाई आपके चैलेंजेस के ऊपर ही मैं वीडियो लाता हूँ हमेशा। तो अगर आप लोगों के पास कुछ अमेजिंग सा चैलेंज है तो बता देना नीचे कमेंट में। अब देखना इसको कैसे निपटाता है, ठीक है? अब देखो, ये वाला बंदा फायर कर सकता था मुझ पर, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। इसको शायद पता चल गया था कि अगर इसको मेरे को फायर करेगा तो गाड़ी फूटेगा और वो भी फूट जाएगा, मतलब वो भी मर जाएगा। तो इसीलिए शायद उसने मेरे को नहीं मारा। बट गाइस, अब देखना ये दोनों बंदे क्या ही लोचा करते हैं मेरे साथ, कई खतरनाक वाला लोचा करते हैं। देखो, जैसे जब मैं इधर को जाता हूँ तब ये लेफ्ट में जाते हैं, और जब मैं राइट में जाता हूँ तब ये लेफ्ट में जाते हैं। मतलब अलग ही सीन कर रहा है मेरे साथ। लेकिन गैस, मैंने सोच लिया था कि भाई इन दोनों बंदों को निपटाएंगे तभी जाएंगे यहाँ से, चाहे मेरा हेल्थ भी चला जाए, चाहे मैं मर भी जाऊँ क्यों ना, लेकिन इन दोनों बंदों को निपटाएंगे तभी जाएंगे। अब मैं इधर को इसीलिए आया उन लोगों को थोड़ा सा फ्रैंक करने के लिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि मैं इधर से निकल चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों को ऐसा लगे कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, बट गैस ऐसा नहीं था, मैं इधर को छुपा रहता था। और जैसे उन लोगों को पता चलेगा, मतलब मैं देखूँगा कि वो लोग बाहर निकल चुके हैं, तभी देखना उस पर रस कर दूंगा। और देखो, बंदा निकल चुका है, अब चलो रस बोल देते हैं। लेकिन गाइस देखना, मेरे साथ ही स्कैम हो जाता है, और क्या स्कैम होता है वो तुम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर एक बंदे को तो मैंने निपटा दिया, तभी गाइस देखना जैसे इसको फुल फिनिश करने जाता हूँ, पहले मैंने यहाँ पर यू टर्न लिया, ये मैंने बकवास किया एक, मुझे पता है, और मेरे साथ गलत सीन। बहुत बढ़िया, बहुत सही, शानदार। अब यार, गलत सीन होता है तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब भाई गलत सीन यार होता रहता है। मेरा ना गलत सीन के साथ ना थोड़ा सा नाता ना थोड़ा सा टूरू लव वाला है, तो मेरे साथ होता रहता है गलत सीन। ओके, और रेड जोन जो है उसके साथ भी मेरा टूरू लव है, तो भाई उसके साथ भी होता रहता है भाई, अक्सर मुलाकात होते रहते हैं, है ना? तो भैया क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद आ चुके हैं नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे। अब यार देख सकते हो, नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे मेरे को फिर से जीप मिला भाई। इस वाले गेम प्ले पे ना, मतलब गेम प्ले छोड़ो यार, मतलब मैच में ना सच्ची बता रहा हूँ, 100 में से 99% गाइस आप लोगों को जीप मिलेगा। हो सकता है 1% में आप लोगों को बाइक मिल जाए, अगर आपका किस्मत बहुत ज़्यादा ही ओपी रहा तो। अब देखो, इधर को मैं आया, यहाँ पर गराज पे हमेशा, क्या बोल रहा हूँ यार, गराज पे हमेशा गाइस यहाँ पर बाइक रहता है, बट गाइस इस बार नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं था। बट यहाँ पर देखना, कुछ बंदे मेरे को दिख चुके थे, चलो इनको निपटाते पहले। ये बंदा भाई कतई मर ही नहीं रहा था। अब देखो, गाड़ी गाड़ी फाइट हो रहा है भाई, क्या ही बताऊं, कार कार फाइट, ओ माय गॉड। अब देखना, वो वाला बंदा हॉर्न मारने लगा था, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी मार लूं, क्योंकि उसको भी तो दिखाना है कि भाई मेरे गाड़ी में भी हॉर्न है, तेरे गाड़ी में अकेला हॉर्न है क्या। अब चलो इसको निपटाते पहले तो। अब ये वाला बंदा भी उसका ही टीममेट था शायद। अब इसको तो मैंने मुक्के से बौछार से इसको ख़त्म कर दिया, बहुत ही प्यार से। अब इसको ख़त्म करने के बाद गाइस मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ से निकलते हैं और बंदों को निपटाते हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि भैया सीधे गाड़ी चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब उनको ना किल चाहिए होता है, चाहे मैं कोई भी चैलेंज करूँ, है ना? मतलब बंदे जहाँ पर होंगे वहीं पर मैं घुस जाऊँगा, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मरूँ या फिर बचूँ, भाई कुछ भी हो जाए। अब मेरे को यहाँ पर ये वाला बंदा दिख गया, अब चलो इसको निपटाते हैं, देखना कैसे निपटाते हैं। इसको बहुत ही प्यार से निपटा दिया, बट गाइस इसने मेरा कार फोड़ दिया था, मतलब धुआं निकाल दिया था, तो यहाँ पर मेरे को गाड़ी चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। पहले तो इसको निपटाते हैं, फुल फिनिश करते हैं। अब इसको फुल फिनिश कर दिया, फुल फिनिश करने के बाद ऊपर में कुछ बंदे थे जो कि मेरे पे फायर कर रहे थे, उसके बाद मैं सीधा भगा के इधर को लेके आया और फाइनली मेरे को न्यू जीप मिल गया। ओके, कतई न्यू जीप यार।
अब न्यू जीप लेने के बाद मैं सीधा इधर को आ गया, और इधर को आने के बाद मैं बंदे को खोज ही रहा था क्योंकि इधर से फायरिंग चल रहा था और मेरे पे पहले फायर कर रहा था कुछ बंदे, और मुझे पता था कि वो वाले बंदे इतने जल्दी तो भाग नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है, तो यहीं सामने आसपास ही कहीं पर होंगे, तो यहाँ पर मैं खोजने लगा और तभी मेरे साथ ये होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी को बचा तो लिया, उसके बाद मैं जैसे यहाँ से निकलता हूँ तभी ये वाला बंदा, अब इस वाले बंदे का नाम पढ़ो यार, मतलब पढ़ो यार नाम पढ़ो क्या ही बताऊँ। सो इस वाले बंदे को बहुत ही प्यार से फिनिश कर दिया। ओके, फिनिश करने के बाद मैं सीधा इधर से निकल गया क्योंकि जोन भी नहीं था, आपको पता है जोन मेरे पीछे है, तो मेरे को जोन पे भी जाना था, तो मैं सीधा इधर को आ गया जोन की तरफ। और देखो रेड जोन भाई कैसे जैसे तैसे बच गया यार, रेड जोन इस बार ना चुम्मा नहीं लिया रेड जोन ने मेरा, तो कोई बात नहीं बच गया भैया। तभी मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिख गया जो कि देखो सैक के अंदर है। अब ये वाला बंदा ना गलत पीछे पड़ जाता है मेरे अंदर, मतलब मेरे पीछे पड़ जाता है, देखना क्या होता है। अब इसने तो मेरा गाड़ी भाई कतई फोड़ ही दिया यार। अब चलो निकलते हैं यहाँ से, लेकिन गाइस ये सोचना मेरा मतलब देखो यार बोला ना गलत सीन, यार गलत सीन होता है मेरे साथ हमेशा। तो ये छोटा सा वीडियो गाइस, मुझे पता है यार बाइक नहीं ले पाया, बट गाइस इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें गाइस मैं पक्का बाइक लेके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने, और भाई कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को 100-100 वीडियोस डालना पड़े, मतलब 100-100 गेम प्ले रिकॉर्ड करना पड़े, लेकिन मैं बाइक जैसे तैसे खोजूंगा और उसका चैलेंज जरूर बनाऊंगा। तो ये छोटा सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।